प्रभाकर मौर्य, योगी सेवक, योगी प्रचारक। मैं परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पुनः 101 फीट ऊंचा भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करने हम जा रहे हैं। 24 फरवरी को भूमि पूजन का कार्यक्रम है और 2027 तक यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग करीब 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा इस मंदिर में। देखिए, गलत पैमाइश, गलत निशानदेही से मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने आमंत्रण पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी हमने आमंत्रण पत्र भेजा है। देखिए, इंजीनियर लोग सब डिजाइन कर रहे हैं और पूरी डिजाइन आप सबको जो है आप सबके आगे रखी जाएगी। सच 24 इंडिया की टीम आपको कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है भरत कुंड, जहां से कुछ दूरी पर प्रयागराज हाईवे के किनारे गांव है कल्याण भदरसा। यहां के निवासी लोकगायक प्रभाकर मौर्य सीएम योगी के इतने बड़े भक्त हैं कि लाखों खर्च कर योगी मंदिर बना दिया। यह मंदिर जैसे ही चर्चा में आया सरकारी व निजी जमीन के पचड़े में फंस गया। लेकिन प्रभाकर इतने बड़े योगी भक्त निकले कि इस बार उन्होंने अपनी खुद की जमीन पर करोड़ों की लागत से 101 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनाने की घोषणा कर दी, जिसका भूमि पूजन 24 फरवरी को है। आइए जानते हैं यहां बन रहे 101 फीट ऊंचे भव्य योगी मंदिर के बारे में। हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आप लोग जहां तक देख पा रहे होंगे, आइए हम उस परिसर में ले चलते हैं जहां की योगी जी का मंदिर बना हुआ है। देखिए, ये तालाब खुदाई का काम चल रहा है। इधर देखिए, ये ठेला वाले मिट्टी की ढुलाई कर रहे हैं। इधर ये देखिए, ये दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई है जहाँ पर रोज़ सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये है योगी जी का मंदिर जो कि शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। और ये देखिए, ये है सनदेव भगवान का मंदिर जहाँ रोज़ सुबह शाम आरती और पूजन पाठ होता है। और ये है योगी जी का मंदिर जिसकी मूर्ति यहाँ से हट चुकी है, तो उसका फोटो यहाँ पर स्थापित कर या बनवा करके डिजाइनिंग करा करके और प्रभाकर मौर्य और गांव वाले योगी जी की पूजा करते हैं। आइए हम आपको अब ले चलते हैं उस स्थल पर जहां की योगी जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसको लेकर के यहां पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं वह स्थल जहां की योगी जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 101 फिट बताई जा रही है। देखिए, ये नींव की खुदाई हो चुकी है। प्रभाकर मौर्य के अनुसार ये उन्हीं की जमीन है जिसमें नींव की खुदाई की गई है। आइए अभी हम आप लोगों को बात कराते हैं प्रभाकर मौर्य जी से और उनसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि योगी जी का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी लागत क्या होगी, उसकी डिजाइनिंग कैसे की गई है, किस तल पर किसका किसकी मूर्ति होगी और कितने तल का यह मंदिर बनेगा। आइए इन सभी समस्याओं को अभी हम सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और बात करते हैं प्रभाकर मौर्य से। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ मौर्य जी, सच 24 इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। प्रभाकर मौर्य, योगी सेवक, योगी प्रचारक। हाँ मौर्य जी, ये बताइए कि हमने सुना है कि आप योगी जी का दूसरा कोई भक्त इससे भी भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। जी, मैं परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पुनः 101 फीट ऊंचा भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करने हम जा रहे हैं। 24 फरवरी को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। 24 फरवरी को भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण कार्य शुरू करेंगे और 2027 तक यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा मौर्य जी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये 50x50 में जो है मंदिर रहेगा, 101 फीट ऊंचा रहेगा। अच्छा, लगभग कितनी लागत आएगी इसमें? लगभग करीब 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा इस मंदिर में। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए कि एक मंदिर आपने बनवाया हुआ था और एक मंदिर के रहते हुए दूसरे मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ी?
देखिए गलत पैमाइश गलत निशानदेही से मंदिर का निर्माण हो गया, जिसकी वजह से तमाम विवाद हुए और विवादों के कारण हमें पुनः जो है हम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर के शिलान्यास में कौन कौन लोग आ रहे हैं? मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने आमंत्रण पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी हमने आमंत्रण पत्र भेजा है और अयोध्या के सभी संतों को हम आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। मौर्य जी, ये बताइए कि आपने आमंत्रण पत्र मोदी जी को दिया है, योगी जी को दिया है, क्या इनके आने की उम्मीद है? देखिए अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, जैसा भी कुछ सूचना मिलता है तो आप सबको जरूर अवगत कराएंगे। अच्छा, मंदिर का शिलान्यास होने में भी कितना दिन सोचे? देखिए आज 12 तारीख हो ही गया, 24 तारीख को जो है 12 दिन बाद भूमि पूजन है। अच्छा, इस मंदिर की आपने रूपरेखा भी पूरी तरह से बना लिया होगा, तो इसमें आपके हिसाब से कम 10 साल का यह मंदिर होगा, तो 10 साल में क्या क्या आपने योजना बनाया है हमारे 10 को बताइए। देखिए इंजीनियर लोग सब डिजाइन कर रहे हैं और पूरी डिजाइन आप सबको जो है आप सबके आगे रखी जाएगी। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।